हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं आप PAH। ठीक है, तो देखो भाई, लोगों को बहुत सारी ऐसी हाइपरटेंशन की समस्याएं होती हैं, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जिनमें आदमी को थोड़ी तकलीफ होती है और आदमी उसका इलाज कराता है, सीरियस हो जाता है। और कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें आदमी को पता नहीं चलता है, और कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको आदमी को नॉलेज ही नहीं होती है। तो PAH एक ऐसी समस्या है दोस्तों, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप उसका समय पर ट्रीटमेंट करा सकें। और ये किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। और तो और दोस्तों, ये जानलेवा बीमारी है। तो प्लीज से इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो देखते रहिए। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। तो देखो, जाहिर सी बात है, पल्मोनरी मतलब क्या होता है कि आपके जो फेफड़े हैं, जहां से आप सांस लेते हैं, जो लंग्स हैं, उनको ही एक बोलते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब होता। तो देखो, नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आदमी की पूरी ओवरऑल बॉडी ही अफेक्ट होती है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो आदमी हाइपरटेंशन के लाइन में डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ अंगों में भी इसका जो ब्लड प्रेशर हाई होने का अफेक्ट देखने को मिलता है। और कई बार हमारे लंग्स के अंदर जो आर्टरीज हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आपके हार्ट से आर्टरीज आ रही हैं, जा रही हैं, वेंस लंग्स से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। और इस पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी कई वीडियोज में, तो यहाँ पर मैं उस टॉपिक को नहीं उठाऊंगा। तो होता क्या है दोस्तों, कि लंग्स को जो आर्टरी आ रही है उसमें कई बार क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पहले समझ लेते हैं भाई कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, इसमें कुछ अपने जो लंग्स और हार्ट के हिस्से हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, लंग्स अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा, लंग्स को ब्लड ले जाने वाली आर्टरीज जो होती हैं, जिन्हें बोलते हैं धमनियां, वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। और साथ ही आपका राइट साइड वाला चैम्बर जो है हार्ट का, दिल का, वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो इसमें होता यह है दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर लंग्स की पल्मोनरी आर्टरीज में बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि हार्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, हार्ट का एक हिस्सा तो काम ही करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हार्ट का, दिल का सीधी तरफ वाला, इस हाथ तरफ वाला हिस्सा, राइट चैम्बर्स वीक हो जाते हैं, और फिर आदमी की जान जाने का भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इसलिए आपको PAH का पता होना चाहिए। अब ठीक है भाई, समझ लिया। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि आपको PAH की समस्या हो सकती है? देखो भाई, जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है उसको पता चलेगा, ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस व्यक्ति का हाइपरटेंशन की समस्या है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो कि साथ में देखे जाते हैं PAH के मरीजों में, जैसे कि भाई उनके सीने में हो सकता है दर्द होने लगे, चेस्ट पेन एक बहुत बड़ा एक सिम्टम और साइन कह सकते हैं, कमजोरी सी होगी, जाहिर सी बात है कमजोरी महसूस होने लगती है आदमी को, और भूख नहीं लगेगी। ठीक है, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, और इंडाइजेशन हो सकता है, पेट में गड़बड़ी होगी। सबसे मेन चीज है दोस्तों कि सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी। तो ये अगर साथ में हो रहा है आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, और साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जरूर से आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए कि आपको कहीं पल्मोनरी आर्टरीज हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है, और ये दो तरह का होता है बेसिकली, प्राइमरी और मीडियम बोल सकते हैं। तो प्राइमरी मतलब कि कुछ समय ही होता है आदमी को और ये समस्या पता चल जाती है, कुछ मीडियम होता है जो कुछ लंबे समय तक रहता है, क्रोनिक तो आ नहीं पाता वो ज्यादा, तब तक आदमी बचता ही नहीं है। ठीक है, ये दो ही इसके टाइप्स होते हैं, दोनों के दोनों ट्रीट हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते कि आदमी को नॉलेज होना चाहिए। आदमी को नॉलेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि भाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये नहीं पता कि लंग्स के अंदर भी हाई हो जाता है, इसलिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं।
ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोविड के टाइम पर जब कोविड पेशेंट्स निकलते थे तब उनको भी ये पीएएच की समस्या बहुत देखी गई थी, उनको भी पीएएच की समस्या हुई थी और बहुत सारे केसेस आए थे। ठीक है, कॉजेज क्या हो सकते हैं कि भाई ये समस्या होती ही क्यों है? नॉर्मल हाइपरटेंशन ठीक है, लेकिन लंग्स में क्यों, उसकी पल्मोनरी आर्टरीज में हाइपरटेंशन के क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि भाई कनेक्टिव टिश्यू में कोई डिफेक्ट आ गया है। हर एक अंग कोई ना कोई टिश्यू से बना होता है, कि जो एक कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इन कनेक्टिव टिश्यू में कई बार कमजोरी आ जाती है, एक कारण ही हो सकता है। दूसरा है भाई एचआईवी, एड्स के जो मरीज होते हैं उनमें इसका खतरा देखा जाता है कि एक बार उनको हो सकता है। लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको हुई है, मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो भी आपको ये हो सकता है। कॉन्जेनाइटल बोल सकते हैं भाई कि जन्मजात भी होता है, कई लोगों में ऐसा जीन होता है कि उनको बचपन से ही ये समस्या लेकर पैदा होते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, शरीर में कहीं पे कोई ब्लड वगैरह क्लॉट हो जाएगा तो भी ये हो सकते हैं। सो ऐसा कोई डायरेक्ट अपन नहीं कह सकते अलग से कि कोई कारण होगा, बट होने वाले को हो जाता है। फिर भी ये दोस्तों कि कुछ लोगों में इसको ज़्यादा देखा गया है कि उन लोगों में इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भाई उनकी संभावना ज़्यादा है, कि उनको खास ख्याल रखना इस चीज़ का। जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो उनको हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। या जेनेटिक में आपको बता ही चुका हूँ, कोकेन ड्रग्स जो आती हैं जो इलीगल है इंडिया में, कई लोग उसको लेते हैं, तो ड्रग्स की वजह से भी कई बार ये होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के अंदर। और 20 से लेके 60 साल तक की उम्र के लोगों में ये देखा गया ज़्यादातर। ठीक है, अब बात करेंगे भाई क्या सावधानी रखना है और क्या गलती नहीं करना है कि आपको ये ना हो। देखो, ड्रग्स नहीं लेना है, ठीक है, और आपको मोटा नहीं होना। मोटे हैं तो आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो ताकि आप फिट रहें। तंबाकू, स्मोकिंग, शराब इनका सेवन ना करें अगर आपको इस तरह की शिकायत देखने को मिल रही है तो। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? डायग्नोसिस करने के लिए दोस्तों ईसीजी करते हैं, जिसमें हार्ट के वेंट्रिकल्स का शेप एंड साइज का पता चल ही जाता है, और इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, सॉरी कलर डॉपलर है, उसके अलावा एक्सरे से ही पता चल जाता है कुछ हद तक लंग्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी जांचें की जाती हैं। अब आती बात कि इसका ट्रीटमेंट में क्या जाता है, देखो शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा डिटेल ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, बट इतना समझ लो कि इसमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन सप्लाई की, तो आदमी को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है। ठीक है, बोसेंटेन नाम की एक ड्रग आता है दोस्तों, बोसेंटेन ये एक ड्रग होता है जो इसमें चलाया जाता है, नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है ये बोसेंटेन, इसको चलाया जाता है तो इससे ये कंट्रोल हो जाता है। साथ ही जो भी दूसरे अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या PAH। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।